हाय फ्रेंड, वेलकम टू विद्या डॉट इन। आज हम लोग बात करेंगे एमिटी यूनिवर्सिटी पटना की 2017 का एस्टैब्लिशमेंट है। 120 एकड़ के एरिया में इसका कंप्लीट कैंपस बना हुआ है, जहां से आप इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, लॉ, मास कम्युनिकेशन की फील्ड में कोर्सेज कर सकते हैं। हाईएस्ट प्लेसमेंट 9 लाख पर एनम और एवरेज 4 लाख पर एनम का क्लेम करते हैं। आज हम इसके एफिलिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोलैबोरेशन, प्लेसमेंट, ऑफर्ड कोर्सेज, एलिजिबिलिटी, फी स्ट्रक्चर सभी को लेकर डिटेल में बात करेंगे। अगर आप एमिटी यूनिवर्सिटी पटना के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके इसके बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। और अगर इस यूनिवर्सिटी को लेके आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर हमारी वीडियो में कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी क्वेश्चन के आंसर हम आपको जल्दी से जल्दी दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गेट रेगुलर अपडेट्स ऑन कोर्सेज, कॉलेजेस, करियर एंड स्कॉलरशिप्स, सब्सक्राइब vidya.in। एमिटी यूनिवर्सिटी पटना AICTE, UGC, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अगर हम रैंकिंग की बात करें तो अभी इसकी कुछ खास रैंकिंग नहीं है, बट इसका एकेडमिक कोलैबोरेशन US एंड UK की रिनाउंड यूनिवर्सिटी के साथ है, जिससे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में स्टडी करने का मौका मिल सकता है और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की डिग्री भी मिल सकती है। अगर हम यहाँ के ऑफर्ड कोर्सेज की बात करें तो आप यहाँ से BTech, CSE एंड सिविल इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, जिसकी फीस अप्रॉक्स 1,59,000 पर एनएम की है। BBA कर सकते हैं, जिसकी फीस 1,48,000। MBA कर सकते हैं, जिसकी फीस 3 लाख पर एनएम की है। BBA MBA इंटीग्रेटेड कोर्स भी आप यहां से कर सकते हैं, जिसकी फीस 92,000 पर एनएम की है। BCA कर सकते हैं, जिसकी फीस 95,000 पर एनएम की है। BCom ऑनर्स कर सकते हैं, जिसकी फीस 95,000 की है। BA LLB, BBA LLB भी कर सकते हैं, जिसकी फीस 1,27,000 पर एनएम की है। LLB कर सकते हैं, जिसकी फीस 1,23,000 की है। और BJMC कोर्स कर सकते हैं, जिसकी फीस अप्रॉक्स 86,000 पर एनएम की है। अगर आप एमटी यूनिवर्सिटी पटना के सभी ऑफर्ड कोर्सेज और उनके डिटेल फी स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके सभी कोर्सेज के डिटेल फी स्ट्रक्चर को चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ के एडमिशन क्राइटेरिया की। एमटी यूनिवर्सिटी पटना के ज्यादातर कोर्सेज में आप एडमिशन मेरिट बेसिस पर या फिर एमटी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पर ले सकते हैं, बट अगर आप यहाँ से बीटेक सीएससी करना चाहते हैं तो 12th में 60% अनुभव मार्क्स, उसके साथ साथ JEE मेंस के स्कोर के बेसिस पे भी आप यहां पर एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर आप यहां से MBA करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में 50% अनुभव मार्क्स, उसके साथ साथ मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट जैसे कि CMAT, MAT, GMAT के स्कोर के बेसिस पे आप यहां पर MBA में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो एमिटी यूनिवर्सिटी पटना अपना हाईएस्ट प्लेसमेंट 9 लाख पर एनम और एवरेज प्लेसमेंट 4 लाख पर एनम का क्लेम करते हैं, बट स्टूडेंट रिव्यूज के हिसाब से यहाँ के 70-75% स्टूडेंट को बीटेक सीएससी करके ऑन एन एवरेज 3-5 लाख पर एनम का प्लेसमेंट मिला है। अगर आप यहां से बीबीए, बीसीए, बीएलएलबी कोर्सेज करते हैं तो आप 2-3 लाख का प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप यहां से एमबीए करते हैं तो ऑन एन एवरेज 3-4 लाख का प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम यहां के कुछ टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो यहां से आपको एसेंचर, मैरिको, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडिगो, जेनपेक्ट, IBM, ITC, पेप्सिको जैसी कंपनीज में प्लेसमेंट मिल सकता है। सभी यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट कोर्स के हिसाब से हर साल चेंज हो जाता है, तो आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कोर्स के बारे में, उस कोर्स के प्लेसमेंट के बारे में सही तरह से रिसर्च करें तभी एडमिशन लें। और अगर इस यूनिवर्सिटी को लेके या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी को लेके आपके मन में कोई डाउट हो, प्लेसमेंट को लेके कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर हमारी वीडियो में कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी क्वेश्चन के आंसर हम आपको जल्दी से जल्दी दें। फ्रेंड्स, आई होप एमिटी यूनिवर्सिटी पटना की इंफॉर्मेशन आपको हमारी इस वीडियो से जरूर मिल गई होगी और आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल सिलेक्ट कर दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।